नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की पोषण माह की शुरुआत, 700 आंगनबाड़ी केंद्रों का किया लोकार्पण शिलान्यास, बाल पिटारा मोबाइल ऐप भी किया लॉन्च, एकीकृत बाल विकास योजना पर सरकार का फोकस। आजम का हाल जानने दिल्ली पहुंचे अखिलेश यादव, राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन का देंगे निमंत्रण, मुलायम सिंह यादव भी हो सकते हैं शामिल। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश से बेहाल हुई जिंदगी, सड़क से लेकर घरों तक अंदर तक पानी, वीवीआईपी इलाकों में भी हालात बदतर, लखनऊ में स्कूलों में अवकाश, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय भी बंद। यूपी में भारी बारिश से हाहाकार, लखनऊ में दीवार गिरने से 9 लोगों की हुई मौत, तो उन्नाव में दीवार हादसे में 3 ने गवाई जान, कई लोग घायल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया आर्थिक मदद का ऐलान। गाजीपुर में रिश्वतखोर लेखपाल गिरफ्तार, एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार, डीएम कार्यालय के पास कसा शिकंजा, चक पर नाम दर्ज करने की एवज में ली थी घूस। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का शुभारंभ किया। इसके तहत सीएम ने प्रदेश भर में नए बने 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया, वहीं 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया। इस दौरान 3 से 6 साल की आयु के बच्चों के लिए बाल पिटारा मोबाइल ऐप में लॉन्च किया गया, वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए सहयोग मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मुख्य सेविकाओं के अलावा बाल विकास परियोजना से जुड़े अधिकारी भी शामिल हुए। इसका मकसद लोगों को स्वस्थ बनाना है। पोषण माह के तहत एकीकृत बाल विकास योजना पर फोकस किया जाता है। इसके अंतर्गत 3 से 6 साल के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ताकि माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रह सके। मुख्यमंत्री महोदय, जब भी बच्चों के बीच होते हैं, छोटे बच्चों के बीच, तो बिल्कुल बच्चे पति में मुझे प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर पोषण माह जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, उत्तर प्रदेश ने उसमें काफी बड़ी सफलता प्राप्त की है। और इसलिए पोषण माह प्रारंभ होने के इस अवसर पर मैं विभाग को धन्यवाद देते हुए प्रदेश के उन सभी गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को, किशोरी कन्याओं को और उन सभी बच्चों को जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है और जिन्हें हम जागरूकता के माध्यम से इन सभी योजनाओं को जोड़ने में सफल होंगे, उन सबको इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये कार्यक्रम अपने वर्तमान और अपने भविष्य को पोषण से युक्त करने, उन्हें सक्षम बनाने का भी एक अभियान है। अगर मां स्वस्थ होगी तो स्वाभाविक रूप से वर्तमान स्वस्थ होगा। किशोरी कन्या या कोई बालक कुपोषण से मुक्त होकर से सुपोषित होगा तो हमारा बचपन स्वस्थ होने के साथ ही समाज और राष्ट्र भी स्वस्थ और सशक्तता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खान का हाल जानने दिल्ली पहुंचे हैं। आजम खान बीते 3 दिनों से गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती थे, आज डिस्चार्ज होकर उत्तर प्रदेश सदन दिल्ली के सरकारी आवास में रुके हैं। ऐसे में अखिलेश आजम खान से मिलने के लिए लखनऊ से दिल्ली पहुंचे और उनसे मुलाकात की। पार्टी सूत्रों की माने तो 28 सितंबर को राज्य और 29 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आजम खान को अखिलेश यादव ने निमंत्रण दिया है। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव भी इस सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं।
बता दें कि 28 सितंबर को पार्टी का राज्य अधिवेशन और 29 सितंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में होगा। इस अधिवेशन में अखिलेश यादव दोबारा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। 1 जनवरी 2017 को हुए विशेष अधिवेशन में अखिलेश के हाथ पहली बार पार्टी की कमान आई थी। यूपी में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते शहर में जलभराव हो को लेकर लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों के सभी स्कूल कॉलेजेस के साथ सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को भी बंद कर दिया गया है। ये आदेश लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने जारी किया है। आपको बता दें कि लखनऊ में भारी बारिश हो रही है और इससे हुए कई हादसों में करीब 9 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं लखनऊ मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने सभी लोगों को सूचित करते हुए आह्वान किया है कि लखनऊ शहर में भारी वर्षा के कारण कहीं भी कोई दुर्घटना की संभावना हो या घटी हो तो टोल फ्री नंबरों से फोन करके तत्काल सूचित करें। लखनऊ में भारी बारिश के बीच हादसा हुआ है, जहां दिलकुशा कॉलोनी के निर्माणाधीन दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है। डीएम ने बताया है कि निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल के पास लोग सो रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया। मृतकों में 3 बच्चे 18 साल से कम और कुछ महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। आर्मी कैंट के पास ये हादसा हुआ तो मौके पर रेस्क्यू के लिए आर्मी के जवान पहुंच गए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि देने का भी ऐलान किया है। वहीं घायलों के बेहतर इलाज कराए जाने के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार मजदूर सीमेंटेड ईंट को मिट्टी से जोड़कर दीवार बनाए थे, उसी के सहारे झोपड़ी बनाकर रहते थे। 3 दिनों से लखनऊ में रुक रुक कर बारिश हो रही है, ऐसे में सुबह 3 बजे के आसपास अचानक घटी इस घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। यूपी के उन्नाव में बड़ा हादसा हुआ है, जहां बारिश की वजह से एक घर की छत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई। घायल महिला की पहचान बच्चों की मां के रूप में हुई है। हादसे में 3 बच्चों की मौत हुई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल शुरू की। SDM अजीत जायसवाल ने बताया कि बारिश की वजह से कच्चे घर की छत गिर गई और 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। अब प्रावधानों के तहत उनके लिए पक्का मकान बनाया जाएगा। मकान बनने तक आश्रय और भोजन भी दिया जाएगा, साथ ही साथ प्रति बच्चे 4 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। लखनऊ में भारी बारिश के चलते गोमती नगर रेलवे स्टेशन में बन रहे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बाउंड्री वॉल भरभरा कर गिर गई। बाउंड्री के साथ पक्की सड़क भी धस गई। विभूति खंड थाना क्षेत्र के गोमती नगर स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। आप बता दिए जाने कहां बाउंड्री के साथ साथ पक्की बाउंड्री वॉल भी गिरी। और आपको बता दें कि यूपी में लगातार बारिश का कहर जारी है, लगातार बारिश हो रही है और लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाउंड्री के साथ साथ पक्की सड़क भी धस गई, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विभूति खंड थाना क्षेत्र के गोमती नगर स्टेशन के पास ये हादसा हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क धस गई। भरभरा कर गिरी गोमती नगर रेलवे स्टेशन की ये दीवार गिरी। आप बता दिए जाने कहाँ इसी खबर पर
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जय त्रिपाठी लखनऊ से। जी जय, बताएं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में बारिश जारी है। अलग अलग जिलों की बात की जाए तो कहीं सड़क धस रही है तो कहीं मकानों की दीवारें गिर रही हैं। जी हर्षदा, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं अगर राजधानी हम लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ के हालात इसमें बस से बदतर नजर आ रहे हैं। जिस तरह सुबह की बात करते हैं तो जिस तरीके से तेज रात में बारिश हुई उसके बाद कहीं ना कहीं एक के बाद एक हादसे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कैंट क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर आपको बता दें जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ, एक निर्माणाधीन दीवार थी, दीवार को गिर जाने के कारण उसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग जो थे वो कहीं ना कहीं घायल हो गए, तो उनको सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका हाल जाना और हाल जानने के बाद उन लोगों पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से विशेष ध्यान दिया और उसी को देखते हुए जिलाधिकारी जो है सुरपाल गंगवार भी पहुंचे। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरी तरह से उनको सिविल अस्पताल की अगर हम बात करें वहां पर भी मुख्यमंत्री पहुंचे, महापौर सत्ता भाटिया पहुंचे, जिलाधिकारी पहुंचे, कई लोग पहुंचकर उनका हाल चाल लिया। जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो जो हालात हैं वो हालात कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बद से बदतर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसी गोमती नगर की हम बात करें, गोमती नगर अंबेडकर पार्क के पास एक दीवार गिर गई। अगर हम बात करें गोमती नगर के विराम खंड में एक दीवार गिरी जिसमें किसी तरीके का कोई भी अचूक नहीं होने पाई, लेकिन बहुत ही देखा जाए तो हालात इस वक्त की जो है वो लखनऊ की सड़कों में पूरी तरह से पानी भर चुका है, लोगों का निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। फैजुल्लागंज की अगर हम बात करें तो जहां पर लोग वादे कर रहे थे कि बड़ा विकास हुआ वहां पर भी आज पानी से भरा हुआ देखा गया। तो जिस तरीके से ये पानी को ले भरा हुआ है इससे पूरी तरह नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम बात करें तो जिस तरह से अधिकारियों की तो कहीं ना कहीं मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने मौके पर पहुंच कर और जिस तरीके से हालात थे उन हालातों का जायजा लिया। अगर जिलाधिकारी सुरपाल गंगवार की बात करें तो वो भी मौके पर पहुंच कर पूरी तरह से व्यवस्था को देख रहे हैं और उसमें कहीं कहीं जहाँ पर पानी भराव है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे लखनऊ संवाददाता जय त्रिपाठी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी किस तरह से ये हादसा हुआ और नगर निगम की पोल खुलती हुई ये नजर आई। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर कानपुर से है। नगर निगम की लापरवाही ने फिर से युवक की जान ली है। निगम की लापरवाही से जेडी रेलवे अंडरपास में पानी भर गया। रेलवे अंडरपास में भरे पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। सुबह पानी निकलने के बाद शव को निकलवाया गया। रायपुर थाना पोस्टमार्टम के लिए उनको भेजा है। मौके पर नगर निगम अधिकारी गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरे। लाखों रुपए की लागत से पंपिंग स्टेशन बना। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा अंडरपास में। जलभराव से पहले भी डूबकर हो चुकी है काफी मौतें। बता दें कि रायपुरवा थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर नगर निगम अधिकारी गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरे। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से संवाददाता जुड़ चुके हैं मोहित। जी मोहित, बताएं क्या कुछ ये पूरा मामला है, निगम की लापरवाही सामने निकल कर आ पा रही है। जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, कानपुर में 2 दिन से मूसलाधार बारिश के बाद लगातार से जो यहाँ जीवन, जो व्यापारियों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त सा है। और इसी बीच एक खबर निकल के आ रही थी कि कानपुर के नगर निगम में जूही रेलवे अंडरपास से जो कि कई सालों से यहाँ पे पानी भर के आ जाता है और तमाम यहाँ पे अंडरपास हर साल जहाँ की नगर आयुक्त को इस बात की शिकायत दी जाती है कि यहाँ पे पानी भर जाती है और लगातार यहाँ पे 2 दिन से मूसलाधार बारिश के बाद एक सुबह आज एक व्यक्ति की वहां पे जो है पानी में डूबने से मृत्यु हो गई है, जिसके चलते वहां पे तमाम तरीके से आनन फानन में नगर निगम आयुक्त खुद वहां पे पहुंचे चुकी। लेकिन वहां के लोगों का बताना है कि जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे होंगे कि यहाँ पे नगर आयुक्त उतर के भी जो नहीं आते हैं गाड़ी से, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। और तमाम इस तरीके की इन परियोजनाओं पे जो है लाखों रुपए की लागत से बना पंपिंग स्टेशन जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जी जी मोहित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
राजधानी लखनऊ में दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं कुछ अधिकारी घर में बैठकर बारिश का लुफ्त उठा रहे हैं। वहीं लखनऊ की मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब जलभराव वाली सड़कों पर निकलकर लोगों की समस्याएं समझ रही हैं, उनका निराकरण कर रही हैं। घुटनों तक पानी में चलकर लखनऊ की मंडलायुक्त लोगों का हालचाल जानने पहुंचा। उनके साथ साथ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। लखनऊ की मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब सड़कों पर निकलकर लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं। अब खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वतखोर चकबंदी लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बता दें कि लेखपाल को 10,000 की रिश्वत लेते हुए डीएम ऑफिस के गेट नंबर 2 के सामने से गिरफ्तार किया गया। आरोपी लेखपाल परिवादी से चक पर नाम दर्ज करने के लिए रिश्वत ले रहा था। वहीं एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को गिरफ्तार कर सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रभारी निरीक्षक एंटी करप्शन वाराणसी उपेंद्र सिंह यादव। क्या मामला है? मामला ये है कि शिकायतकर्ता विनय कुमार गौड़, पुत्र स्वर्गीय विभूति गौड़, ग्राम बबुरा, थाना वारियाबाद, जनपद गाजीपुर द्वारा मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 12/9/2022 को इस बात की शिकायत की गई कि चकबंदी अधिकारी द्वारा आदेश करने के बावजूद भी जो क्षेत्रीय लेखपाल चकबंदी श्री सूरज सिंह द्वारा जो है अमल दरामद के नाम पर 10,000 रुपये की मांग की जा रही है। पूरी टीम के साथ और शिकायतकर्ता के साथ उपस्थित होकर के जिलाधिकारी कार्यालय गेट नंबर 2 के सामने विक्रम गुप्ता की दुकान के पास से 10,000 रुपया शिकायतकर्ता से लेते हुए चकबंदी लेखपाल श्री सूरज सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई कोतवाली में पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की गई। अब खबर यूपी के बदायूं से है, जहां सील हुए हुक्का बार का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक शख्स तेज म्यूजिक पर हुक्का पीकर धुआं उड़ा रहा है और लड़के और लड़कियां डांस करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने हुक्का बार को सील कर संचालक फैज उर्फ राजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पकड़े गए लोगों के पास से चोरी की बाइक, नकदी और तमंचे भी बरामद किए थे। पुलिस ने लूटपाट और बाइक चोरी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इनमें संचालक फैज के साथ उद्योग व्यापारी नेता का बेटा भी शामिल है। वहीं एसपी सिटी अमित किशोर ने बताया कि वायरल वीडियो की सूचना के बाद छापामारी की गई और लुटेरा गैंग को पकड़कर हुक्का बार सीज कर दिया गया। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में एक और बात निकलकर सामने आई है। आरोपी फैज की एसओजी के सिपाही से दोस्ती है। सिपाही हुक्का बार में आता जाता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने वायरल हुए वीडियो पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही।